दो मजीद अरिथमेटिक ऑपरेशंस देख लेते हैं इस वीडियो में। एक तो हम देख लेते हैं मॉड्यूलस ऑपरेशन, मॉड्यूलस अरिथमेटिक ऑपरेटर, और एक एक्सपोनेंशियल। पाइथन में अगर आपको रिमाइंडर मालूम करना हो, मिसाल के तौर पे 5 डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर अगर मालूम करना हो, तो आप मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो कि परसेंटेज का साइन है, वो यूज करके मालूम कर सकते हैं। तो मैं इसका रिजल्ट एक प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। अब हमें पता है कि 5 डिवाइडेड बाय 2 इसका रिमाइंडर जो है वो 1 होना चाहिए, जबकि अगर मैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि 5 रेज टू द पावर 2, या जिसे आप नॉर्मली 5 स्क्वायर भी कहते हैं, उसका रिजल्ट 25 होता है। लेकिन अगर वो मैं पाइथन के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, तो मुझे डबल स्टैरिक डबल स्टार यूज करना होगा, और मुझे 5 स्क्वायर पता चल जाएगा। अगर मैं 5 क्यूब मालूम करना चाहता हूँ, 5 क्यूब, तो मुझे 5 रेज टू द पावर, जो कि 2 स्टार से रिप्रेजेंट हो रहा है, और फिर 3, ये हमें 5 क्यूब पता चल जाएगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 5 स्क्वायर का रिजल्ट फॉर्म करते हैं। मैं इसको करता हूँ रन, और हम देख सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर 1 आया है, जबकि 5 स्क्वायर का रिजल्ट 25 आया है।